हेलो गाइस, मैं अमरीश शर्मा। हमारा आज का सेशन न्यू सेशन और टॉप मोस्ट सेशन आपका द टेंस वेरी इजी वे बाय हाईएस्ट ग्रामर रूल्स। आज की हमारी पहली क्लास हम टेंस के बारे में, केवल ये हमारे टेबल्स हैं, 12 टेंस हैं, उनके बारे में कौन कौन सी वर्ब्स फॉर्म्स क्या प्रयोग होता है उसके बारे में स्ट्रक्चर है ओनली। ये आपको नोट करना है गाइस, आपकी एज कुछ भी हो, आपको टेंस सीखने हैं तो आपको ये टेबल फॉलो करनी होगी। आपके लिए पहला एक यूट्यूब का ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेंस के बारे में फुल डिटेल दी जाएगी। आज हमारी पहली क्लास है, केवल स्ट्रक्चर ओनली। इसके बाद हम आपके समक्ष प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, यानी कि 12 सेंटेंस के बारे में आपको फुल डिटेल देंगे और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ये आपकी एज, आप नर्सरी पढ़ते हो या ट्वेल्थ में हो, अगर आपको टेंस किसी भी क्लास में सीखनी है तो आपको ये HGR प्लेटफॉर्म पर आपको अवेलेबल है, वहां पर आपको मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। नेम ऑफ द टेंस, अंत में हिंदी क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब जो हिडन होगी, और फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब भी कौन से फॉर्म का प्रयोग होगा। तो पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट, हिंदी के वाक्यों में ता है, ती है, ते है, हिडन वर्ब कौन सी रहेगी, हिडन वर्ब डू या डज रहेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, या अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का प्रयोग होगा। नंबर दो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, हिंदी में हिंदी के वाक्य में अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी। नंबर तीन, प्रेजेंट परफेक्ट, हिंदी के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, सिंगुलर के साथ, एक वचन के साथ हैज, प्लुरल के साथ बहुवचन के साथ है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट नंबर चार, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, से रहा है, से रही है, से रहे हैं, हिंदी वाक्यों के अंत में, हैज बीन सिंगुलर के साथ और हैव बीन प्लुरल के साथ, यानी कि एक वचन के साथ हैज बीन, बहुवचन के साथ हैव बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी। नेक्स्ट नंबर फाइव, पास्ट इंडेफिनिट, ए, ई, ए, ता था, ती थे, ती थे, हिडन वर्ब डिड का प्रयोग, और डिड के साथ आपको फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है, अन्यथा इसमें सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। नंबर छह, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, वाज या वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। नेक्स्ट नंबर सेवन, पास्ट परफेक्ट, हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुके थे और चुकी थी, सिंगुलर हो या प्लुरल दोनों के साथ हेड का प्रयोग, यानी कि एक वचन हो या बहुवचन हो दोनों के साथ हेड का प्रयोग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट नंबर एट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, से रहा था, से रही थी, से रहे थे, हिंदी वाक्य के अंत में, सिंगुलर और प्लुरल दोनों के साथ, यानी कि एक वचन और बहुवचन दोनों के साथ हैड बीन का प्रयोग, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। नंबर नाइन, फ्यूचर इंडेफिनिट, अंत में हिंदी वाक्य के अंत में गा, गे, गी, विल या सेल,
विल का प्रयोग सभी के साथ, लेकिन सेल का प्रयोग आई के या वी के साथ, यानी मैं के और हम के साथ। यानी कि मैं के साथ और हम के साथ सेल का प्रयोग, बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट नंबर 11, फ्यूचर परफेक्ट, सॉरी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, विल बी या सेल बी। सेल बी का प्रयोग वही आप आई और वी के साथ, अर्थात मैं और हम के साथ करेंगे, बाकी सब के साथ विल बी का प्रयोग करेंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। नेक्स्ट नंबर 11, फ्यूचर परफेक्ट, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, विल है और सेल है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और लास्ट नंबर 12, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, विल हैव बीन, सेल हैव बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो गाइस जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लें। ओके गाइस, आज की हमारी ये ऐसी वीडियो, आज हमारी फर्स्ट प्रथम क्लास है, यहां पर आपको टेंस 12 टेंस कंप्लीट कराए जाएंगे विद एग्जांपल्स। तो गाइस आज स्टार्टिंग क्लास, इसको आप नोट करें, और डेली HGR चैनल पर आपको डेली टेंस देखने को मिलेंगे। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच।